यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा इसी के साथ इसके बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जीएस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज अपन 1 तारीख की यानी 1 सितंबर की सुबह की 9 से 11 की जो शिफ्ट हुई थी उसका पूरा विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं अपन। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को ये पेपर किस किसने बताया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा सचिन शर्मा जी का करना चाहूँगा, जो कि TIT कॉलेज भोपाल से हैं और मूलतः ये सबलगढ़ के रहने वाले हैं। इनके 83 नंबर आए हैं, इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपन बात करें, अभिषेक जी ने भी हमें बहुत क्वेश्चंस बताए हैं और भी मेरे मित्रों के जो मित्र थे उन्होंने भी मुझे बहुत क्वेश्चंस बताए, तो इनमें इन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और तो फ्रेंड्स, अब अपन चालू करते हैं GK में। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आया था, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1958 में हुई थी और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवपुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इमरजेंसी कौन लागू करता है, यानी आपातकाल फ्रेंड्स हो जाएगा राष्ट्रपति लागू करता है। अपने भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है, पहला 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था तब लगा था, दूसरे आपातकाल की अपन बात करें तो 1971 में लगा था तथा तीसरा आपातकाल 1975 में लगा था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब अपन आगे चलते हैं। IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी पुणे में, मतलब देहरादून में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC 2016 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो फ्रेंड्स, ये आसान क्वेश्चन है, अपने भारत के RR अश्विन हो जाएंगे, उनमें खिलाड़ियों के मतलब भारत के खिलाड़ियों के ऑप्शंस दे रखे थे उस अनुसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें फ्रेंड्स, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, कौन है प्रेजेंट में? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे PJ कुरियन जी। यदि आपने फ्रेंड्स मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने जरूर इनके बारे में चर्चा की थी और इनके नाम भी बताए थे, यदि आपने वो देखे होंगे तो आप आज की शिफ्ट में आराम से इसको कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की प्रथम न्यू पेमेंट बैंक या ऐसा होगा लाइव न्यू पेमेंट बैंक कौन सी है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स एयरटेल की है, ऑप्शंस में एयरटेल था, पेटीएम था, तो फ्रेंड्स ये एयरटेल हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपन चलते हैं, नवा राष्ट्रपति जिन्होंने भोपाल में जन्म लिया, तो ये हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा जी हो जाएंगे, जिन्होंने भोपाल में जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कुलदीप नायर पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, हो जाएगा रविश कुमार जी को मिला है, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी किस जिले में आता है? तो फ्रेंड्स, ये आसान क्वेश्चन है, पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में थे लता मंगेशकर थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, इन दोनों को तो मिला है, इसके अलावा जो ऑप्शन में मतलब जिनको नहीं मिला है वो आप टिक कर सकते हैं, इसलिए आप फ्रेंड्स भारत रत्न के सारे जिन जो इम्पोर्टेंट हैं जिनको मिल चुका है वो जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे, जिनको सबसे पहले भारत रत्न भी मिला था 1954 में। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए ये इस बात पे बार बार टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो राज्यों के बीच थी? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बीच है और जो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये सिवनी जिले में पाया जाता है और आप जानते हैं फ्रेंड्स सिवनी महाराष्ट्र से टेकी हुई है, इसलिए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो ये तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में है चेनानी नासरी टनल, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो फ्रेंड्स ये तो आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाएंगी मरियम्मा कोसी जी हो जाएंगी हॉकी इंडिया की अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो फ्रेंड्स हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कार्टोसेट 1, जो कि भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट है नेविगेशन GPS से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा संघ घोष। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पुरस्कारों से रिलेटेड आ रहे हैं तो आप सारे पुरस्कार जरूर करके जाएं। अब फ्रेंड्स अब अपन बात कर लेते हैं विज्ञान से बात करें तो एनिमल सेल में इनमें से क्या नहीं होता?
तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा लवक हो जाएगा। जो लवक ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं होता, जो पौधों की कोशिका होती है। ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी थे, तो ये तो सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्सर जो छाले होते हैं वो किस कारण होते हैं? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, पर मेरे हिसाब से बैक्टीरिया ही आप मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनिक छड़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दो हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है, इसके जैसा कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं, इनमें से कौन सी चीज डिकम्पोज नहीं होती? तो ऑप्शंस में थे मृत शरीर, खाद, डेड प्लांट्स या प्लास्टिक बैग। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लास्टिक के बैग, जो डिकम्पोज नहीं होते। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन चलते हैं मैथ में आप देख रहे हैं क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। मैंने आज क्वेश्चंस डाले हैं, आपके कमेंट देखे थे उस अनुसार। तो पहला क्वेश्चन था, 1280 रुपये में किस दर से 2 साल में 1800 रुपये हो जाएंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में किस दर से 1800 रुपीज़ हो जाएंगे? तो फ्रेंड्स अपन जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI होता है। और अपन को अमाउंट का मान दे रहे हैं फ्रेंड्स, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएंगे, बराबर में प्रिंसिपल का अपन मान दे रहे हैं 1280 रुपये हो जाएंगे, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन ये रख सकते हैं P, यानी 1280 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यानी 1 प्लस R अपन को निकालना है, अपॉन में 100 दिया है, और इसकी पावर हो जाएगी N, जो कि अपन को दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस अनुसार आप कंपाउंड इंटरेस्ट का, मुझे लगता है आप आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं पूरा मतलब बहुत डाउटफुल था, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं आपको आधा ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे 15% की दर से 1000 रुपये का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स मेरा मकसद है आप तक ये ऐसे क्वेश्चन पहुँचाना कि शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस अनुसार समझ सकते हैं, ये आधा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवा सकता। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई दे दी थी तथा उसका आयत क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल का अपन फॉर्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने मेंसुरेशन से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है कल या परसों की डेट में। यदि आपने मेंसुरेशन से रिलेटेड वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक वृत्त की परिधि दी हुई थी तथा उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो फ्रेंड्स वृत्त की परिधि का अपन फॉर्मूला जानते हैं 2πr, और 2πr से अपन को परिधि का मान दे दिया था, बराबर में परिधि का मान रख के अपन r त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या निकाल के अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं πr2। πr2 से फ्रेंड्स ये आराम से सॉल्यूशन हो जाता, ये भी मैंने मेंसुरेशन में सब कुछ बता रखा है, आप उस मेरे उस वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2300 रुपीज में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 12% प्रॉफिट पे बेचने के लिए कितने में फ्रेंड्स उसको बेचना होगा 12% प्रॉफिट कमाने के लिए? तो फ्रेंड्स अपन देख लेते हैं, देखिए 2300 रुपीज में बेचने के लिए, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अपन को फ्रेंड्स दे रहा है 2300 रुपये। नेक्स्ट 12% की हानि होती है, मतलब 88%, यानी अपन 100% कॉस्ट प्राइस मान लें तो 12% की हानि होती है, यानी 88% मतलब 2300 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 88% पे वह बेच रहा है। तो अपन ने फ्रेंड्स 1% का मान निकाल लिया, कितना आ गया 2300/88 आ गया। अब फ्रेंड्स कितना पूछा है, तो 12% प्रॉफिट पर, मतलब 12% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स यदि अपन को कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो अपन 100% निकाल देते, तो अपन को निकालना है मतलब 120% का मान, क्योंकि 12% प्रॉफिट है, सॉरी फ्रेंड्स 112% का मान, 120 नहीं 112% का मान निकालना है, क्योंकि 12% प्रॉफिट है, तो इनटू में हो जाएगा 112। इसका आंसर फ्रेंड्स सॉल्यूशन निकाल के आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है, एक 60 किलोमीटर पर हावर व दूसरी 75 किलोमीटर पर हावर, और दोनों 450 किलोमीटर। फ्रेंड्स ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन मतलब पूरा कंफर्म नहीं बता पाए थे मेरे को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा होगा कि 450 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितना समय लगाएगी? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में दो गाड़ियाँ जाती हैं तो उन दोनों का एडिशन होता है। फ्रेंड्स आप
मतलब कल्पना कर सकते हैं कि यदि दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनका एडिशन होगा, तो 60+75 कितना हो जाएगा, 135 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ये इनकी दोनों की स्पीड आ जाएगी। अब कुल दूरी दे रहा है 450 और स्पीड हो जाएगी 135 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और जो आंसर आएगा वो आएगा हावर में, और ये फ्रेंड्स आपको निकालना है। कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अपन बात करते हैं, तो फ्रेंड्स चालू करते हैं अब अपन ये क्वेश्चन। ए एक काम को 12 दिन में करता है तथा बी एक काम को 16 दिन में करता है, तो दोनों ने 3 दिन मतलब संघ में काम किया तथा उसके बाद ए हट गया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं, मैं LCM मेथड से बता रहा हूँ। यदि आप ए का एक दिन का ऐसे वर्क निकालें तो वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। LCM मेथड से देखिए फ्रेंड्स, ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी एक काम को 16 दिन में करता है, तो फ्रेंड्स अपन इन दोनों का LCM निकालें तो जो ये 48 आया ये टोटल वर्क आ जाएगा। फ्रेंड्स फिर अपन मतलब 48 में 12 का भाग दे रहे हैं, तो 48 में यानी ये टोटल वर्क में मतलब नंबर ऑफ डेज का भाग दे रहे हैं तो एफिशियंसी आ जाएगी। एफिशियंसी यानी एक दिन की निकलती है। एफिशियंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। तो टोटल वर्क 48 है, नंबर ऑफ डेज 12 है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, यानी ए 4 वर्क करता है पर दिन और बी करता है 3 वर्क पर दिन, तो इन दोनों को अपन जोड़ दें तो 7 वर्क होता है पर दिन। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन में पढ़िए, दोनों ने 3 दिन तक लगातार काम किया, 7 में काम किया, तो अपन 3 दिन का काम निकाल लेते हैं, यानी एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, तो बराबर क्या आ गया, टोटल वर्क यानी 21 वर्क कर लिया इन्होंने। टोटल कितना था फ्रेंड्स, 48 वर्क था, 21 इन्होंने कर लिया, तो फ्रेंड्स कितना बचा, 48 में से 21 वर्क घटाएंगे तो 27 वर्क बचा। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, तो बी कितने दिनों में उस काम को करेगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए, बी 3 वर्क पर डे करता है, टोटल वर्क ये है, नंबर ऑफ डेज का डिवाइड दे दें, मतलब एफिशियंसी का डिवाइड दे दें तो ये निकल आएगा 3 × 9 = 27, यानी बी उसके बाद में बी काम करता है तो बी 9 दिनों में काम कर देगा। और फ्रेंड्स यदि ऐसा क्वेश्चन होता कि पूरा काम कितने दिनों में होता है, तो 9 दिन तो ये हो गए और 3 दिन ये थे, मतलब 12 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का विश्लेषण तैयार करूं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।